लोग ऐसे बैग में देख रहे थे, क्या लिया है रे रामू दिखाओ ना। गुड मॉर्निंग, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यार सुबह से शाम हो गई है और अभी तक भाई कुछ भी नहीं किया है, सो रहे थे क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए थे कि दिमाग ख़राब हो गया था। तो अभी चलते हैं, पास ही के एक मंदिर है वहाँ पर टहलें, तो आप सभी को दिखाते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा देखकर। तो अभी सौरभ भी वहाँ पर हैं और हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभी उनके पास चलते। दोस्तों आप सभी को बता दें, सौरभ भैया यार एकदम से परेशान हो गए हैं, कह रहे हैं कि हमको बनारस निकलना था और आप हमको रोक लिए हो। तो हम बोले यार एक दो दिन आराम कर लो, हमेशा चलना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन सौरभ भैया हमारे कह रहे हैं नहीं यार, अगर हम आराम कर लेंगे तो हमको परेशानी हो जाती है, हमको स्ट्रगल करना और चलना है क्योंकि रोज़ हमको एक नई दुनिया और नई चीज़ देखना और नई चीज़ें मतलब दिखाना लोगों को। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन जानते हो आज क्या था, आज रूम पे ही पूजा वूजा हो रहा था, ओनर कर रहे हैं तो वो भी बोले कि आज यहीं पर प्रोग्राम है भैया रुकिए। तो हमने भी बोला चलो ठीक है, इतना सारे सब लोग कह रहे हैं तो आप भी रुक जाइए हमारे भी कहने से। तो उनको लेके आए अभी ये बस्ती का जो मिल है यहाँ पर घुमाने, और इसके बारे में बता रहे थे, इनको दिखाए हैं। तो आप सभी को भी बता दें, यहाँ पहले मतलब लगभग हो गया 5-6 साल से तो बंद ही है, क्योंकि भाई लोग यहाँ पर काफ़ी लोग मतलब काम करते थे और लोगों को रोज़गार मिलता था, हर दिन काम करते थे। और अब भी हो गया ये बंद, जिसकी वजह से सारे लोग काम नहीं पाते हैं और बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं। तो आपको यहाँ का कुछ व्यू दिखाते हैं। तो देखिए शाम हो चुका है और इसी की वजह से यहाँ अंधेरा भी दिखता है, और यहाँ पर काम ना चलने की वजह से काफ़ी सारे पेड़ पौधे भी उग आए हैं। यहाँ झाल बहुत सारे कटीले पौधे हो गए हैं और बहुत सारे पेड़ उग गए हैं, और यहाँ पर अगर काम चलता तो ऐसा नहीं होता। और वहाँ देख लीजिए खेतों में कुछ लोग काम कर रहे हैं, और गाँव का कुछ और खेतों का इस तरह से नज़ारा। और हमारे सौरभ भैया बड़े उदास से लग रहे हैं, चलते हैं थोड़ा उनको खुश करते हैं। बता दे सौरभ भैया को कैसे हम खुश किए हैं, वो अयोध्या हम लोग गए थे तो वहाँ बंदर लोग परेशान कर रहे थे, तो एकदम बगलिये में बैठ गए थे, वो लोग ऐसे बैग में देख रहे थे, क्या लिया है रे रामू दिखाओ ना। अब का लाया, बस्ती से आया, हमारे लिए कुछ लाया ही नहीं है। ऐसे धीरे धीरे और भैया को ऐसे बॉटल पकड़ा है, जैसे जैसे पकड़ लिया, ए सूखा खाली बॉटल लेके आया रे पगला। एकदम दिमाग खराब कर दिए थे। तो अभी वही सब हम लोग बातें सोच कर थोड़ा खुश हो गए और अभी रिटर्न चल रहे हैं कहाँ गाँव। तो ये देखिए विक्की भाई सलाद काट रहे हैं, रूम ओनर आज पूजा रखे थे सत्यनारायण भगवान जी का ना, तो उसी का ये सलाद काट रहे हैं। अभी शाम में थोड़ा भोजन होगा तो इस वजह से उसी का सलाद कट रहा है ये। तो आइए अभी और खाइए चाइनीज फास्ट फूड के हाथ का खाना। खाना खाने के बाद आपको भी लगेगा कि किस आदमी से खाना खाए हम। क्यों जूता पहना रहा है? जूता नहीं पहना रहे, टोपी पहना रहे हैं इनको जो देख रहे हैं। अच्छा दोस्तों अभी सुबह हो गई है और सौरभ भैया को आए हैं इधर टहलाने, और रात को भाई इतना सारा काम था, इतना सारा बिजी हो गए थे कि आप सभी को कुछ ना दिखा सके, ना कुछ बातें हो सकी, और फिर थक के सो गए खाना पानी खा के। तो अभी सुबह के अभी 10 बज रहे हैं इस टाइम, तो बस पिछले वाली ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आगे की शुरू करते हैं कि आज के दिन में क्या होगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।